बहुत बढ़िया। कितने स्टार देना चाहेंगे प्रभास? 5 out of 5। पृथ्वीराज भी थे इसमें, दोनों ने अच्छा काम, दोनों अच्छा काम किए। फुल एक्शन मूवी, अच्छा वीएफएक्स किए, बहुत मजा है। क्या लगता है इस साल का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ले जाएगा? लेकिन 100% ऑडियंस के लिए क्या कुछ कहना चाहिए? ये मूवी आप देखो, बहुत अच्छा मूवी है, स्टोरी भी अच्छी क्रिएट की है, वीएफएक्स भी अच्छा है और प्रभास तो ग्रेट है। थैंक यू। अच्छी लगी पिक्चर, 4-5 दो दो। माइट बी उनका कमबैक था बट नॉट एट दिस स्टेज। पृथ्वीराज एंड प्रभास की एक्टिंग कैसी लगी? एब्सोल्युटली ऑसम, दे वर गुड बट स्क्रिप्ट वाज रियली वीक। माइट बी पार्ट 2 में ही विल बी बेटर। अच्छा, पार्ट 2 भी आने वाला है? पार्ट 2 भी आने वाला है। सर कितने रेटिंग देना चाहेंगे सालार? 7.5। सलार अच्छी थी मूवी। फर्स्ट हाफ जो था वो थोड़ा उग्रम जैसा था, कन्नड़ा मूवी उग्रम, प्रशांत नील ने जो बनाया था। एंड जो सेकेंड हाफ था, इट वॉज सेकेंड हाफ आई विल से कि बेस्ट पार्ट था, जिसमें एक्शन डायरेक्शन इट वॉज वेरी गुड। बीजीएम बहुत सुपर, रवि बसूर ने जो बीजीएम म्यूजिक कंपोज किया, तो इट वॉज वेरी गुड। सो आई विल से कि आई विल से 10 out of 10, बट आई एम नाउ वेटिंग फॉर पार्ट 2 नाउ। बहुत अभी, लेट्स सी जैसे आता है प्री बुकिंग। आई से कि मस्ट वॉच, एंड या जिन्होंने उग्रम की उग्रम देखा हुआ है फर्स्ट पार्ट, तो उनको वो थोड़ा कनेक्ट लगेगा। जिन्होंने उग्रम मूवी कन्नड़ा मूवी नहीं देखा है तो उनको ये थोड़ा अच्छा लगेगा। एंड सेकेंड हाफ आई से कि सेकेंड हाफ कोई मिस ना करे, सेकेंड हाफ वॉज वेरी गुड। थैंक यू। मैंने देखी सलार, मंत्रमुग्ध हो गए, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं कहने के लिए, मुझे समझ में आया मैं क्या बोलूँ। इतना अच्छा एग्जीक्यूशन, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन, प्रशांत नील हैट्स ऑफ। मतलब प्रभास का कमबैक, क्या कमबैक है। और ये ऐसी मूवी है जिसके हर सीन में आपको घूसबम्स आएंगे, हर सीन में। मतलब लास्ट में तो आप देखते रह जाएंगे कि मैंने क्या देख लिया। और साथ में जगपति बाबू का बहुत अच्छा रोल है, श्रुति हसन उनका बहुत अच्छा रोल है, और पृथ्वीराज एक साउथ के एक्टर, उनका अच्छा रोल है। बाकी मूवी बहुत ही ज़्यादा कमाल की, दोनों ही। फर्स्ट हाफ थोड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन का है, सेकेंड हाफ ज़्यादा लंबा है, और क्लाइमेक्स तक पहुँचते पहुँचते तो इट इज़ जस्ट फ्लॉलेस। डेफिनेटली म्यूजिक बहुत अच्छा है, डायरेक्टर पावरफुल, डायलॉग्स बहुत, रवि बसरूर का म्यूजिक बहुत अच्छा है, सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है भुवन गौड़ा की, और एडिटिंग भी मुझे लगी 3 घंटे के आसपास है, तो एडिटिंग भी ठीक है उज्ज्वल कुलकर्णी की। तो ओवरऑल इट्स अ मस्ट वॉच, डोंट मिस इट एट एनी कॉस्ट। पार्ट 2 भी आएगा तो लोग और एक्साइट हो गए। और मैं तो ये कहूँगा कि ये साल की सबसे बेस्ट मूवी है। मतलब जो हर सीन में आपको अगर गूसबम्स मिलेंगे तो आप सोचिए किस लेवल की मूवी होगी। मैं फिर भी 4 स्टार दूंगा, बिकॉज आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू पार्ट 2। शायद पार्ट 2 में हम लोग 5 पे पहुंच जाएं, बट अगर सारे एक्टर्स की बात करूँ तो ऑल ऑफ देम 5 out of 5। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। मतलब एक्शन सीन इतने ज़बरदस्त बनाए हैं ना, मेरे को ऐसा लगता है कि KGF का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी, इतना नेक्स्ट लेवल है। हाँ, उनका 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 एक्शन भी बहुत अच्छा है, मतलब उनकी भी काफ़ी अच्छा उनको बताया हुआ, मतलब मज़ा आ गया उनको भी देख के। मैं दूंगा मतलब 5 में से 5 स्टार है पार्ट। बहुत मतलब बहुत एक्साइटमेंट है, मेरे को अभी सी वेट हो रहा है, मतलब मैं चिल्ला चिल्ला के मेरा गला भी बैठ गया अंदर। ये हो गया, हो गया ये डेफिनेटली, डेफिनेटली ये बेटर देन KGF, मेरे को ऐसा लगता है KGF से ऊपर है। थैंक यू। सलार फिल्म देख के आ रहे हैं? हाँ, एक्चुअली 2-3 फिल्मों के बाद, खास करके आदि पुरुष के बाद सलार का इंतज़ार था, और ये था कि ये फिल्म तो ब्लॉकबस्टर है। और जो उनका हम लोग ट्रेलर, सेकेंड ट्रेलर जब आया तो उस ट्रेलर में पता चल गया था कि कुछ धमाल है, और इनका कॉम्बिनेशन प्रशांत नील और इनका, ये तो आगे और दूसरा पार्ट भी आएगा तो कमाल होगा। पृथ्वीराज एंड प्रभास एंड श्रुति हसन भी है इसमें, तो कैसी लगी उन सभी की एक्टिंग? बिल्कुल सबका कोई इसमें ये नहीं है, बहुत वर्क किया गया उस पर, हर बात पे वर्क किया गया, डायलॉग्स पे, मूवमेंट, पूरी एक्साइटमेंट बनी रहती फिल्म में। फर्स्ट हाफ कमाल है, सेकंड हाफ में आप थोड़ा सा हल्का फुल्का अगर हो सकता है सब बोल सकते हैं। मूवी के एंड में दिखाया गया कि पार्ट 2 भी आने वाला है, तो कितने एक्साइटेड हैं? वो जैसे बाहुबली 2 के लिए हुआ था। या।
बस वैसा ही है। कितने स्टार देना चाहेंगे? 5 में से 5 बिल्कुल। फाइनली सलार जो है बहुत ही अच्छी पिक्चर है, और अगर मैं जवान और पठान के बाद अगर बात कर तो टक्कर जो देने वाला है वो है सभी को सलार, और सभी के रिकॉर्ड्स को तोड़ने वाली। क्या लगता है सलार इस साल का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ले जाएगा? 1000 कहते हैं ना, मतलब अभी जो हैट्रिक है ना, थाउजेंड्स करोड़, तो ये सलार थाउजेंड्स करोड़ इस बार लेकर जाने वाला है। क्या लगता है आपको कि जैसे कि फिल्म के एंडिंग में बताया गया कि पार्ट टू भी आने वाला है? पार्ट टू का तो इंतजार रहेगा ही। जब कहते हैं ना एक्शन पिक्चर्स जो जितने भी होती है ना, वो पिक्चर इस तरीके से क्रिएट किया जाता है कि हम लोग इंतजार करते हैं। और प्रभास का रियल और रियलिटी जो है ना, वो यही लुक है जिसे हम लोग हमेशा से देखते आ रहे हैं। आदि पुरुष में कहीं ना कहीं हम लोग डिसअपॉइंट हुए थे, बट अगर कम बैक हुआ है तो ये बहुत तगड़ा वाला बैक होने वाला है। So, 5 में से 5 स्पेशली प्रभास भाई के लिए। ऑडियंस के लिए यही कहना चाहूँगा, ऑडियंस के लिए तो अब की बार पता है क्या ना, ऑडियंस घर पे बैठ के बोर हो रही थी ना, वो 100% आके खुद देखेगी इस पिक्चर को जिसका नाम है सलार। थैंक यू। बोलिए, हम सलार देख कर आ रहे हैं। आउट ऑफ द वर्ल्ड मूवी है मैम, आउट ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, प्रभास का कमबैक है और सॉलिड कमबैक है, मतलब बाहुबली से आई विल से 10 times मोर पंच के साथ कमबैक है। तो वैसे कहानी की स्टोरी कुछ बताना चाहेंगे, कितनी दिलचस्प? बहुत ही दिलचस्प है, मैं कोई स्पॉयलर्स नहीं देना चाहूँगा क्योंकि लोग जाके देखें वो अच्छी बात है, लेकिन जो इमोशंस है, कहानी है और लास्ट का जो क्लाइमेक्स है ना, आपको हिला देगा। पार्ट टू भी आने वाला, तो कितने एक्साइटेड है आप? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है मैडम। 5 में से 5 मैडम। कोई ऑडियंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? ऑडियंस को ये देना चाहेंगे कि जाके जरूर देखें। अब एडल्ट मूवी, एडल्ट रेटिंग है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बच्चों के साथ देखें। थोड़ा बहुत वायलेंस सीन्स हैं उसके कारण है, पर आउट ऑफ द वर्ल्ड सिनेमा है। ऐसा सिनेमा इंडिया में नहीं बना मैडम, ना बनेगा। सलार मूवी देखी? सलार जेन्युइनली बहुत अच्छी मूवी है, मास मसाला एंटरटेनिंग एक्शन थ्रिलर एंड सस्पेंस मूवी है। इस बार यस, प्रभास एंड पर्सनली पृथ्वीराज ने भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया है इस मूवी में, और प्रभास की एक्टिंग, उनके वॉक टॉप नॉच। सेकेंड हाफ बहुत अच्छा है, फर्स्ट हाफ भी बहुत अच्छा है, बट जब आप सेकेंड हाफ देखते हो तो आपको ज्यादा मजा आ जाता है। हम लोग सीट्स के एजिस पे आ गए थे मूवी देखते देखते कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है ये मूवी में, ऐसे अप्स एंड डाउन आ रहे थे। पार्ट टू बहुत ज्यादा, क्योंकि जो KGF लेवल पे जो एंड किया था वो सस्पेंस लेवल पे इस बार एंड किया है, तो अभी पार्ट टू में क्या होने वाला है उसके लिए अभी से एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। 5 out of 5 ऑडियंस के लिए क्या कुछ मैसेज? अगर आपको मूवी देखनी है, आपके न्यू ईयर क्रिसमस में आपको बनाना है, तो प्लीज आप सलार देखिए, आपका न्यू ईयर बन जाएगा। थैंक यू। जानना चाहेंगे कौन सी फिल्म देखकर आ रहे हो? सलार मूवी देख के आ रहा हूं मैं। फिल्म बहुत ऑसम है, आई कैन से मूवी इज ब्लॉकबस्टर। जो डार्लिंग की मूवी में जो इमोशन की कमी थी, ये मूवी में इमोशन है, एक्शन है, टोटली 100% ब्लॉकबस्टर एंड काइंड ऑफ आफ्टर बाहुबली, डार्लिंग प्रभास इज बैक, सलार इज बैक, आई कैन टेल यू। Both are superb. You can say first half like super duper hit and second half is blockbuster. No, he also did very good, very good. Prithvi sir also did very good work. Yeah, there is suspense actually. Drama suspense is there. We are very excited. We can watch 1000 times this movie actually. This is totally is Salaar will be break everything, destroy everything. This is Andhi, Tufan, I can tell you. Rating देना चाहेंगे आप इस movie? Rating out of 10 out of, you can 10 out of 10, you can take 100. Audience क्या कुछ message देना चाहेंगे New Year movie? Audience can go and watch, he will enjoy, I can tell you, he will enjoy 100 times. And thank you so much for Prashant sir, make this kind of emotion and this kind of movie, we love you Prashant sir. Thank you. पिक्चर बहुत मजेदार थी, मतलब बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा एंजॉय किया, क्योंकि एक्शन सीन्स बहुत इतने ह्यूज लेवल पे शूट किए गए,
इतने ग्रैंड लेवल पे शूट किया तो मजा आता है देखने में। मेरे लिए दोनों हाफ अच्छा था कि फर्स्ट हाफ में थोड़ा स्टार्ट मतलब बिल्ड किया सेकंड हाफ के लिए, और सेकंड हाफ में मतलब एक्शन सीन्स बहुत बढ़ गए। फर्स्ट हाफ में इंटरवल ब्लॉक बहुत अच्छा था, सेकंड हाफ में फिर एक्शन का लेवल बढ़ गया फर्स्ट हाफ से सेकंड हाफ में, तो देखने में बहुत मज़ा आया। पृथ्वीराज सुकुमार जी की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी मुझे, और प्रभास का मतलब ग्रैंड कमबैक हुआ है सलार से, मतलब उनकी दिखती है, उनने मतलब इसमें एफर्ट डाला है। वो बाहुबली के बाद ऐसा लग रहा था वो खाली मूवी करने के लिए कर रहे हैं, मतलब वो एफर्ट नहीं दिख रहा था उनमें, इसमें मतलब एफर्ट दिख रहा है, उनकी मेहनत रंग लाई है, और ऐसा लग रहा है ये रोल उसी के लिए बना हुआ है, दूसरा कोई नहीं कर पाता, तो टेलर मेड रोल लगा मुझे उनके लिए। बाकी दोनों का फ्रेंडशिप का बॉन्ड अच्छे से दिखाया गया है, माँ बेटे का एंगल है वो अच्छे से दिखाया गया है, और स्टोरी टेलिंग जो है प्रशांत नील की वो भी अच्छी दिखती है, मतलब उनका जो विजन है वो पर्दे पे दिखता है, क्या उनका जो विजन है वो उनने विजन अच्छे से दिखाया है पर्दे पे। हाँ, स्टार्ट बोलना चाहेंगे तो स्टार्ट तो डंकी से 5 times बेटर ही स्टार्ट होगा, एडवांस बुकिंग भी बहुत अच्छी हुई है वर्ल्ड वाइड, खाली एडवांस बुकिंग 80 crore की खाली एडवांस बुकिंग हुई है वर्ल्ड वाइड, तो मतलब ओपनिंग तो अच्छी लगेगी। बाकी जैसा जैसा वर्ड ऑफ माउथ फैलेगा, मूवी अच्छी है लोगों को पसंद आएगी, तो जैसा जैसा वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होगा मूवी मतलब बॉक्स ऑफिस में तबाही मचाएगी। 4.5 बस 0.5 इसके लिए काटना चाहूँगा कि मूवी मुझे बहुत ज़्यादा डार्क लगी, थोड़ा बहुत ब्राइट होना चाहिए था, तो 4.5 स्टार देना चाहूँगा। पार्ट 2 शौर्यंगा पर्वम, बहुत एक्साइटेड क्योंकि पार्ट 2 में मतलब 10 times ज़्यादा अच्छे से दिखाएगी स्टोरी टेलिंग, और एक्शन सीन्स भी बहुत अच्छे ग्रैंड हो गए। सलार बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने, ब्रिलियंट, लाइक ही नेल्ड इट, ओके ही विल गोइंग टू नेल द बॉक्स ऑफिस ऑल्सो एंड इन मूवी ऑल्सो नेल्ड इट। पृथ्वीराज हैज डन अ डिसेंट वर्क, आई विल टेल, आई हैव सीन हिज मूवीज ऑल्सो, बट या उनको इतना इस मूवी में इतना रोल नहीं था, अच्छा था रोल बट उनको और बिल्ड किया है बाद में एंडिंग में आकर, बट आई विल टेल कि सेकेंड पार्ट में उनका एक बहुत बड़ा रोल प्ले होने वाला है इसमें। लाइक आई वॉज हुक्ड फ्रॉम द फर्स्ट सीन टिल एंड, एंड द लाइक यू विल नॉट गेट बोर है कि क्या हो रहा है, एंड में तो और ग्रिप्स और एक पेजेस और एक सस्पेंस सब निकल जाते हैं, लाइक यू सिट देयर एंड लाइक कुछ होने वाला है क्या, और हमको देख के जाएंगे ऐसा। I'll give it 4.5. Prabhas is requesting, please kindly request and book the ticket of Salar. Thank you.